गुड मॉर्निंग, रेडी सुल्तान वैली जाने के लिए? गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए कितना सुंदर सीन, ऊपर बर्फ जमी हुई है पहाड़ पर और इतना सुंदर व्यू है। अभी बजे हैं सुबह के 6 और पहाड़ों में जल्दी सुबह हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि 7 बज रहे हैं और अभी 6 बजे हैं और अभी हम लोग निकलने वाले सुल्तान वैली के लिए। तो आपको भी अपने साथ लिए चलते हैं सुंदर सुंदर व्यू दिखाने के लिए। सुबह सुबह कितनी अच्छी धूप खिली है, फिर भी काफ़ी ठंड है और हम लोग हैं अभी लाचुंग में और अभी जाने वाले हैं सुल्तान वैली के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही हम लोग निकल रहे हैं, पहाड़ों में मॉर्निंग जल्दी हो जाती है और 5 बजे होते होते तक तो शाम हो जाती है। तो आज हमको गैंगटॉक के लिए भी निकलना है, तो सब लोग रेडी हैं। ड्राइवर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे पहाड़ गिर गया था, उसकी ये सारी चट्टानें बिखरी हुई पड़ी हैं और पहाड़ों में पता नहीं चलता है कि कब कोई भी पत्थर वगैरह नीचे आके गिर जाए और थोड़ी देर में ही सारा पहाड़ गिर जाते हैं। और यहाँ के जो पहाड़ होते हैं वो कच्चे पहाड़ होते हैं और बहुत जल्दी सरक जाते हैं। डेली जब से हम लोग सिक्किम आए हैं डेली शाम होते होते तक बारिश होने लगती है और क्लाइमेट बहुत अच्छा है और बर्फ़ हर जगह गिरी हुई है, नीचे नीचे भी काफ़ी बर्फ़ है और हमको 0 पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ हमें नीचे ही काफ़ी मिल गई है यहाँ पर। वाह, इतनी सुंदर नदी। और अभी हम टहल रहे सुल्तान वैली में और धूप खिली हुई है फिर भी इतनी ठंड है जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सुंदर सुंदर नदी, घने जंगल, बर्फीली वादियाँ, बर्फील, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी यहाँ पुल बनने वाला है, कल कल बहती नदियाँ। हेलो करो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ये गैंग, बच्चों का गैंग, छोटा शौरी भी। ये हंसी बादिया, ये खुला आसमां, हम कहाँ आ गए ओ मेरे साथिया। कि फ्रेंड्स कितनी सुंदर कल कल बहती हुई नदी और पानी भी काफ़ी ठंडा है और देखने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, मन को देखकर बहुत खुश। सुल्तान वैली से ही आगे की तरफ एक रोड जाता है, वो 0 पॉइंट की तरफ जाता है और 0 पॉइंट हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है काफ़ी वहाँ पर, तो उसके कारण 0 पॉइंट का रास्ता पहले ही बंद कर दिया जाता है। 0 पॉइंट हमारे पैकेज में भी नहीं है, उसके लिए ड्राइवर 3,500 रुपये अलग से गाड़ी का मांग रहे हैं, पर हम लोग चले जाते परंतु बर्फ़ ज़्यादा गिरने के कारण डेली वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 0 पॉइंट नहीं गए। ये मार्केट है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं।
युमथान वैली भी इतनी अधिक हाइट पर है, यहाँ पर लाइट वगैरह भी नहीं आई। पहले लाइट आई थी पर पहाड़ों के गिरने के कारण पोल वगैरह सब टूट गए और रास्ते भी वहाँ के ख़राब हो गए थे पहाड़ गिरने से, पर अब दूसरे नए रास्ते बना लिए हैं। इतनी हाइट पे इतना अच्छा मार्केट वगैरह बनाया हुआ है। ये देखिए हमारा किचन, एग, मैगी, ये इधर किचन भी होता है, ये खाना बन रहा है, यहाँ बैठने की जगह भी। ये मैडम बैठी हुई है और आधा गैंग रह गया अभी हमारा, युमथान वैली में रह गया, नदी के पास अभी आएगा। ये आ गया गैंग। इतनी ठंड थी क्या? पानी पिया? ये मोमोज की उसमें गरम हो गया, एक साथ सारी गरम हो गई। हम घर में टाइम पास करते नहीं हुई तो भैया और कर दो एक बार। जैम लगाओ। अब हम लौट रहे हैं अपने होटल की ओर, और ब्रेकफास्ट तो ब्रेड का हमारा पैकेज में था तो हमको करा दिया। अब हम होटल में जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे। लंच रेडी है, बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा है। उसके बाद आज हम लोग निकलने वाले हैं गैंगटॉक के लिए। पत्ता गोभी की सब्ज़ी, एक करी और राइस। ओहो नहीं खुल रहा है मुझसे, राइस है उसमें। खेल रहे हो? इधर देखो, उसका नाम क्या है, नाम क्या है? ओहो पहचान गई ये तो। ओहो अंशिका को तो पहचान गई, गोदी में आ गई। देखो एरी, एरी पहचान गई हमको, गोदी में आ गई। ओहो वाह एरी, ये सब खाना खा रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं गैंगटॉक के लिए। काम चल रहा है चारों तरफ। चलो कितने बज रहे हैं अब निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए? कितने बज रहे? साढ़े ग्यारह बजे हैं, अब निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गैंगटॉक में। फ्रेंड्स हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे थे, इतने सुंदर सुंदर व्यू थे और इतनी अच्छी ठंड, जो शब्दों में नहीं बता सकते फील हम ही कर सकते थे कि कितनी ठंड थी। हमने ढेर सारे फ़ोटो ली, उनमें से ये कुछ फ़ोटो हैं।